ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਹੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ 75 मिनट हार्ड करोगे कर लेंगे। मेरी गर्दन अंकित के कारण बहुत दुखती है। एक देसी आदमी ने इतनी अच्छी बॉडी बनाई, रियल इन्फ्लुएंसर है। हर्ष हर्ष तबाही। ओह नो। हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। पलके उड़ रही है क्योंकि इसने छत खोली हुई है शोशेबाजी के लिए। अरे थोड़ी सी खोली है भाई, हवा के लिए। भड़क ही जाता है, बुजुर्ग है ना हस्बैंड मेरे। सो गाइस, आज हर्ष का बहुत बड़ा ड्रीम पूरा होने जा रहा है। आज कोई खास बंदा आने वाला है और बहुत सारी बातें होने वाली है। वो बंदा तो मैं आपको जाके ही दिखा देती हूँ अभी। yes. और हर्ष ने बहुत सारी बातें पूछनी है। अरे मेरी पलके उड़ रही है यार, लोगों को लगेगा मेरी पलके नकली है। लोगों को लगेगा नहीं, लोगों को शरेआम पता है। लोगों को ये पता कि जब मेकअप कराओ तो लगता है। यार मेरे को आप बताना कि पलके बड़ी करने के लिए मैं क्या करूँ। चलो ये तो होगी पलकों वाली बात, वो आप कमेंट कर देना कि क्या करूं। दूसरा, हम शूट करने जा रहे हैं। नहीं यार, अरे नहीं यार, नहीं यार, पॉडकास्ट शूट किसके साथ करने जा रहे, वो क्यों बताऊं यार, थोड़ा तो सस्पेंस रखने दो, वरना ये फिर चले जाएंगे अपनी सब्जी को तड़का लगाने, कोई कुत्ता घुमाने, कोई कुछ करने, क्योंकि 7 बजे यही टाइम होता है जिस टाइम हमारा ये व्लॉग आ रहा है। मेरा उस बंदे के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या पूछूंगी उससे मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ उसको एक हफ्ते से जानती हूँ, जब से हर्ष ने बोला है कि देख, तो मैं देख रही हूँ और मैं देख के भी सोच रही हूँ कि मैं क्या सवाल पूछूं या क्या बात करूं। ये मेरे लिए आज उसका नहीं, आज ये मेरा पॉडकास्ट है, तो मैं देखती हूँ भाई, पता नहीं क्या करूं। मेरे को समझ मिलेगी आज, भारती को ज्ञान मिलेगा, थोड़ा अकल मिलेगी कि फिटनेस अच्छा रहने सो मैं ऑफिस आ गई हूँ और आते ही इतना अच्छा लगा यार, इतने अच्छे गणपति सजाए हुए हैं। और मुन्ना ने हमेशा मेरा व्लॉग खराब किया है, जब भी मैं कोई जरूरी बात करे, हाँ कहते जाए, हाँ खाबा नायबा, पता नहीं तभी इसको, मतलब इसको होता कि तभी मैं बताऊँ लोगों को कि मैं उड़ीसा से हूँ। क्यों करता है पांडे जी ऐसा? ये आदत पड़ गई है। किस चीज की? आदत बोलने की इसकी। क्यों ऐसे हर बार ही करता है पांडे जी ऐसे? अभी बंद कर दो भाई, बंद कर दो। चलो गणपति बप्पा बोरिया, क्या बात है। पांडे जी अच्छा सजाया है ना? उसने सजाया है, वो जिसके बाल बिखरे हुए, बहुत अच्छा सजाया है। ऐसा लग रहा है दुल्हन को लूटा है। oh, no. पूरे उसके कलीरे वलीरे लेके आया है। काफी लोगों ने कमेंट्स में हमें पूछा है कि मुन्ना भैया नहाते नहीं, ऐसा लगता है बेचारे सारा दिन काम करते रहते हैं। पांडे जी क्या लगता है आपको, आप जब भी मुन्ना को देखते हो आपको ये फ्रेश नहाया हुआ लगता है कि नहीं? नहीं नहीं, कम नहाते नहीं नहीं नहाता हूँ मैं, नहाया हूँ। कैसे बताए? इधर बाइक में इधर उधर भटकता हूँ तो फिर बार बार फैल जाता है। वहाँ थोड़ी भटकना था, वहाँ एक जगह रहना था ना। हाँ अब बता। सो विष्णु रोड थोड़ा टचअप कर रहे हैं और मैं सवाल सोच रही हूँ उस बंदे से, मैं क्या सवाल पूछूं कि मेरी फील्ड का है ही नहीं। कभी कभी हर्ष फंसा देता है और ये फुल एक्साइटेड है, ये सारी चीजें पूछेगा। और ये कहाँ से निकला है भाई? अरे ये तो ऐसे ही रखा हुआ है, कोई पूछे नहीं कि अरे ऑफिस में लेडीज टॉयलेट नहीं है ना भाई। और तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं तो मालिक हूं ना यार, मालिक कहीं भी सुसु कर सकता है। सुबह से बड़ी एक्साइटेड हूँ, गर्दन भी दुख रही है। और कौन आए हैं? ये है जो आजकल सबके आइडल बने हुए हैं, जितने भी यंगस्टर हैं, अंकित मेरा भाई। कैसे हो? हाँ भाई सारा ने। आओ बैठो भाई, बैठिए 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 भाई। क्या लेते भाई? कुछ नहीं भाई, रोटी भाई। सच्ची बताओ अच्छी बनी कि नहीं? बढ़िया। मैं बड़ी देसी टाइप हूँ, मतलब मेरे को वो चीजें नहीं आती कि थोड़ा ये वो करके भेजूं। हाँ बहुत बढ़िया थी, मुझे बड़ी खुशी होती है यार, क्योंकि ये मैं अंदर से पंजाबी हूँ, पंजाब में पैदा हुई हूँ। हम पंजाब हरियाणा वाले ऐसे ही होते हैं, कोई बोल दे सही कि भाई खाना, तो बस ऐसा होता कि दे दो। ये सारे भाई अपने सारे, आप हरियाणा से हो भाई? और इन सब ने मेरा नमक खाया है और ये मेरी रक्षा, अब ये सारी उम्र मेरी गुंडों से रक्षा करेंगे भाई। अब मैं कहीं भी मुसीबत में हूँ मैं एक ही इंस्टाग्राम पे मैसेज करता हूँ। सच्ची खाना अच्छा था? आपने सब अपनी मम्मियों को कहना है कि भारती ने अच्छा खाना खिलाया। मम्मी हमें आप देख लीजिए, आप डालोगे तो है। आंटी जी देखना, आप मेरा चैनल लाइक भी करना, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल वाले हो, इनके चैनल वाले ये लोग हैं।
आंटी मैं आपको बताऊंगी, आप इंटरव्यू देखना कि मेरी गर्दन अंकित के कारण बहुत दुखती है और अभी तक ठीक नहीं हुई, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो चलिए जी, शूट शुरू होने वाला है। समझ नहीं आ रही मैं क्या सवाल पूछूंगी, क्योंकि मैं ना भागती हूँ ना दीवार पे चढ़ती हूँ, oh, no! ना ही मैंने सपाटे मारे कोई। मैंने तो पति को चपाटे ही मारे बस। यही पूछेगा, मैं तो घर की बातें पूछूंगी, टी शर्ट कहाँ से लेते हो, बाल कहाँ से कटाते हो, शैम्पू कौन सा, मैं तो ये वाली बातें पूछूंगी। चलिए शुरू करते हैं। कैसा है भाई, ठीक है? अभिनव क्या हुआ, गर्लफ्रेंड से झगड़ा? ओके, ले हंसी निकल गई गर्लफ्रेंड के नाम पे। क्या हुआ अभिनव, ठीक है सब? मैसेज दे दूं मैं नहीं, बताओ भाई, जो भी लड़की है अभिनव की लाइफ में बहुत अच्छा लड़का है ये। थैंक यू सो मच। जितनी जल्दी हो सके इससे दूर हो जाए। आज ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके सामने हम ऊंचा बोलते थोड़ा हंसा तो सही। ऐसे में बड़ा सख्त लौट रहा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। और ये भाई, इसके भी है सिक्स पैक, 19 साल का लड़का है, दिखाओ जरा। होता दीदी थोड़ा सिक्स के साढ़े सिक्स हुए हो, इतना वर्कआउट कर लिया। 75 मिनट हार्ड करोगे? कर लेंगे पूरी खा के फिर रात को कर लेंगे। Two hours later. This is a fan moment. Fan moment. आपको देख देख के हम खुश होते हैं। अभी मुझे फिलहाल लग रहा है कि मेरे दो दो बॉडीगार्ड हैं, सेम कपड़े हैं वैसे तो। हम दोनों बॉडीगार्ड हमारे डॉक्टर जी हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। ये अपना छोटू है, मतलब बहुत हेल्पफुल है। मेरे को आधी रात को भी कोई जरूरत पड़े मैं इनको फोन करती, लेकिन ये मेरे नहीं पांडे जी के फैन है। तो पांडे जी आप इधर कोई भी टेस्ट के लिए आए आपको डिस्काउंट मिलेगा। अरे बाप रे, कहते रोज आएंगे। चलो डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। ये डॉक्टर भी एक बच्चे का बाप है, मैं बता दूं जो लड़कियां इनको देख रही हैं। बाय डॉक्टर। सुबह मैं घर आ गई हूँ शूट से। आज अंकित के साथ शूट करके बहुत मजा आया यार, बहुत ही सिंपल सादा और भोला सा लड़का है। और मुन्ना आया है पीछे, वो ना क्या लाया, एमरोन की बहन ने क्या भेजा मेरे लिए, चीज वाला केला के चिप्स है और ये कुछ है खाने का, कुछ मिठाई लग रहा है ना, मिठाई है। वेलकम वेलकम, खाएंगे खाएंगे। और ये किसने दिया मिठाई? A few moments later. कपड़े मैंने चेंज कर लिए और शायद मैं नीचे जाऊं वॉक पे, मेरा दिल कर रहा है क्योंकि मैं आज जिसके साथ पॉडकास्ट करके आई हूँ अंकित के साथ, मैं बड़ा यार उससे हुई हूँ, मैं थोड़ा क्या इम्प्रेस वो हुई हूँ। मैं वॉक पे जाऊंगी, उसने बोला कि अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं होती तो आप वॉक कर लो, तो मैं वो कोशिश करती हूँ जाने की, लेकिन उससे पहले मुझे भूख लग गई। यार बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई हक से आपको बोलता है। आज अंकित के साथ शूट किया, जब फ़ोन पे सुबह बात की तो मैंने वैसे ही पूछा, मैं कि अंकित खाना खाओगे घर का? तो बोलते हाँ दीदी, हम लोग 5 लोग हैं। तो फिर मैंने फटाफट अभी सुबह खाना बनाया और अंकित को भेजा। बड़ा अच्छा लगता है यार, मुझे पता है कि जो पंजाब हरियाणा के लोग होते हैं वो अक्सर घर का ही खाते हैं और घर का खाना बहुत मिस करते हैं। अंकित एकदम सादा लड़का है, एकदम सादा लड़का, और उसकी बॉडी किसी हीरो से कम नहीं है। हर्ष ने तो सारी अपनी बातें पूछी। आप पॉडकास्ट ज़रूर देखना, बहुत मज़ेदार है और घर बैठे आप फिट हो सकते हैं। अब मुझे भी फिट कर दो, शीला दीदी खाना दे दो। सो यार एक बहुत ज़रूरी चीज़ बतानी थी, तानिया ने इतनी अच्छी स्वीट दी है, इतनी अच्छी मिठाइयाँ लेके आई है यार वो पंजाब से। और ये मेरी फेवरेट शॉप है, स्वीट शॉप, जिसका नाम है लवली स्वीट। थैंक यू तानिया। सो गाइज थैंक यू। मैं तानिया को बोलने से पहले ये भी कहूँगी कि तानिया बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। जलंधर में तानिया मेकअप आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। भगवान करे ऐसे ही तुम्हारी दुकान में भीड़ लगी रहे, और तुम जब भी आओ हमारे लिए मिठाई लाओ। पेठा यहाँ नहीं मिल सकती ऐसी मिठाई, सिर्फ पंजाब में। गोले गुलिया गोगी आ ही नहीं रहा, आ गया। गोली बची मम्मा की पाली बची। अच्छा खेली खेली कर ले भाई के चार। हर्ष हर्ष
तबाही। मम पीना मम पीना जाओ मम्मा पी लो जाओ 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 जाओ। तो चलिए जी व्लॉग को एंड करते हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है और मैंने खाना खा लिया। आज मैंने मंगाई थी सोया चाप यार मुझे अच्छी नहीं मिली। मुझे तंदूरी सोया चाप चाहिए थी, लेकिन ये ना तंदूरी थी लेकिन गीली गीली थी। ये कैसा भी तंदूर होता है? तो अगर जो बॉम्बे में रहते हैं, अंधेरी में रहते हैं, अंधेरी वेस्ट में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में करके बताइएगा कि मैं सोया चाप कहाँ से मंगवाऊँ अच्छी वाली, क्योंकि मुझे सोया चाप बहुत अच्छी लगती है। चलिए जी, हर्ष आ गया और मुझे लगता है कि हर्ष ये अनाउंसमेंट हर्ष को करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में कल कौन आ रहा है? हमारे पॉडकास्ट में कल आ रहे हैं अंकित, जिसने 75 हार्ड पूरा करके 150 हार्ड की तरफ चल रहे हैं, और उनके साथ हमने पॉडकास्ट किया। मेरे को वो बहुत अच्छे लगते हैं। एक देसी आदमी ने इतनी अच्छी बॉडी बनाई, रियल इन्फ्लुएंसर है यार। क्या लड़का है वो, मतलब मेरे को तो उसका नाम नहीं पता था, मैं सिर्फ उसको यही कहती थी कि 75 हार्ड वाला लड़का। तो आज वो 75 हार्ड वाला लड़का हमारे साथ पॉडकास्ट करके गया है, जो कल आएगा 8:15 भारतीय टीवी पे। जरूर देखिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और भी बताइएगा किसके साथ हम पॉडकास्ट करें, है ना? हाँ, बताइएगा क्योंकि बाय। ये कोई काम नहीं करती, ये बस ब्लॉग बनाती है और सो जाती है। और क्या करूँ बताओ, जमीन खोदूं? तूने ना एंड में ना कोई ऐसी बात करी देनी होती है, और तू जो मूड खराब करके चला जाता है वो। चलो गाइस बाय, कल मिलते हैं। सो लड़कियां तो आपको जब कहती हैं कि आप पतले हो गए, ठीक अच्छा ऐसा लगता है, लेकिन जब लड़के कहते हैं, वो भी हरियाणा के हैंडसम एकदम पहलवान लड़के, तो बंदा डर ही जाता है और खुशी भी होती है यार कि हाँ, कहते हैं आप तो पहचान में नहीं आ रहे। थैंक यू, ओ सॉरी, आप लोग को भाई थैंक यू सभी को।